जहांगीराबाद के मोहल्ला आहग्रहण स्थित ईदगाह में बालाजी के निकट जाने वाला नाले का अधूरा निर्माण कार्य रुका पड़ा है, जिसके चलते नाले का गंदा पानी खेतों की तरफ जा रहा है, जिससे किसानों की फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। इसी से गुस्साए सैकड़ों लोगों ने नगरपालिका पहुंचकर कई माह पूर्व इसकी शिकायत नगरपालिका से की थी, लेकिन आश्वासन के बाद भी नगरपालिका ने कोई कार्यवाही नहीं की, जिससे किसानों व मोहल्ले वासियों में भारी रोष है। सर, ये ईदगाह के पास एक नाला निकल के जा रहा है, जो नाले में वहाँ गंदगी के अंबार लगे पड़े हैं और नाली सारा पानी खेतों में गुजर रहा है, किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। इस बारे में क्या कहना है आपका? हाँ, उसकी एक शिकायत आई हुई है, इसका संज्ञान लिया गया है और उसे जो तत्काली सफाई कराई जाएगी। उस नाला जो है बीच में रुका हुआ है, उस नाले को जो है निरीक्षण कराकर और अभियंता के द्वारा तत्काल उसको जो है बनाने की कार्रवाई की जाएगी। जो भी इस किसानों की समस्याएं हैं उन्हें जो हल तत्काल हल कराया जाएगा। क्या नाम है सर आपका? राकेश कुमार सभा में खाद्य निरीक्षक नगर पालिका परिषद जहांगीराबाद। भर रहा आपके में? ये तो साहब हर साल भर जाता है, हर साल हमारी फसल मारी जाती है, इसमें कुछ नहीं होता, हम बहुत परेशान हैं। तमाम नालों का पानी हमारे खेत में आ जाता है सब। इसकी शिकायत आपने नगर पालिका से करी? जी साहब, कई बार कर चुके हैं मगर कोई कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। ये सारे नाले का पानी है? जी सब नाले का पानी है सब ये। अच्छा, इसके बाद में क्या कही नगर पालिका ने शिकायत के बाद? जी सब ऐसे ही है, सब आश्वासन दे देते हैं, कुछ नहीं होता। अच्छा, इसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई है? जी नहीं। नाला कहाँ से आ रहा है? ये नाला इधर से आ रहा है, शहर की तरफ से। सर, शहर का पानी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम बॉबी सैनी है जी, सनो बाबूलाल सैनी। कितना तुम्हारा खेत है ये इसमें? मेरी 2 बीघा ज़मीन है साहब, यही ज़मीन है मुझ पर, इसमें कुछ भी नहीं होता। फसल कुछ नहीं हो रही है इसमें? जी नहीं। मुरादाबाद में मुंडा पांडे थाना क्षेत्र हाईवे 24 पर पास के जिले रामपुर से स्कूल से पढ़कर साइकिल से घर वापस लौट रहे 2 छात्रों को किसी अज्ञात वाहन ने उस समय रौंद दिया जब छात्र अपने घर से कुछ ही दूरी पर थे। हाईवे पर तैनात डालसो पुलिस ने घायल पड़े दोनों छात्रों को उठाकर मुंडा पांडे स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहाँ इलाज के दौरान घायल छात्र आकाश ने अपना दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे छात्र अजय की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हमारे हॉस्पिटल सीएससी मुंडा पांडे में 100 नंबर लेकर आई थी यहाँ पे मरीज को, उसका नाम आकाश है। लगभग सड़क पे पड़ा हुआ था, 100 नंबर गाड़ी वालों ने बताया, और यहाँ पे लेके आए तो वो ब्रॉड डेड था। हमने उसको चेक किया सारे पैरामीटर्स तो ब्रॉड डेड। ये क्या घटना हुई, कैसे मौत हुई आज? घटना ये हुई है इसकी, ये सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रामपुर में ये पढ़ता था, और वहाँ से पढ़ने के बाद ये आ रहा था, एक लड़का और था इसके साथ में, और ये पत्थर वाला कुंडा शिवराबाजे पे ये कोई वाहन इसे जो है मार के चला गया, और हमें काफ़ी देर के बाद में पता चला। तब तक जो है इसे मतलब बेहोशी की हालत थी, तब जाके हम इसे जो है 100 नंबर की कार में यहाँ पर लेके आए। क्या हुआ, ये जिंदा है या नहीं? ये तो मतलब ये ख़त्म हो चुका, इसकी जान जो है चली गई। परिवार की क्या हालत है? परिवार की हालत इसकी बेहद ख़राब है, इसके बाप विकलांग है, दोनों टांगों से विकलांग हैं, घरेलू शरीर मतलब ये क्या घर के भी हालात इसके बहुत नाजुक हैं। क्या वो वाहन पकड़ा गया जिससे एक्सीडेंट हुआ? नहीं, वाहन नहीं पकड़ा गया अभी। तो पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस कार्रवाई अपनी कर रही है, अपनी ले आई है जो भी है, बाकी अभी और कोई पता नहीं क्या हो रहा है। सिद्धार्थनगर जिले में एक दलित युवक की बेरहमी से पिटाई की और पेड़ से बांधकर सर मुंडवाने के वायरल हुए वीडियो के मामले में पुलिस हरकत में आ गई है। जिले के पुलिस कप्तान विजय ढुल घटनास्थल और पीड़ित के घर गए और घटना में शामिल 7 लोगों को पीड़ित की तहरीर पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सर, मेरा नाम जैसन भारती है सर। एक वीडियो है जी सर, मुझे बना जाना पढ़ने के लिए बीएससी सेकंडरी का हूँ सर। क्या हुआ कि सर बयारा में गया पास मतलब पैसा निकालने आधार कार्ड से, तो वहाँ नहीं निकला, मेरा स्कॉलरशिप नहीं आया था। फिर उसके बाद हम सोचे कि मम्मी का पासबुक था, हम चेक कराने के लिए जा रहे थे ग्रामीण बैंक पे। फिर उसके बाद पीछे से मुझे सब लोग खींच के लेके चले गए, कह रहे ये चमार है, ये ऐसा ऐसे सब बात बोल रहा था, और घर में पल्ला बंद करके बहुत मारे, 10-15-20 लोग थे। फिर वहाँ से फिर निकाल के मुझे फिर नाली में मारने लगे, फिर उसके बाद वहाँ से घींच घाच के लेके जाते थे, फिर मैं बेहोश हो गया। फिर उसके बाद मुझे पेट से बांध के, फिर उसके बाद मेरा सिर से मतलब गंजा कर दिया, और मुझे थुक्के भी चटाया गया, और
बहुत बुरे और सर बहुत गलत काम किए हैं सर, इनके साथ कार्रवाई किया जाए सर। सर प्यारा के थे सर, श्याम अग्रहारी सर, और कौन थे? और जसवंत अग्रहारी जी सर, कि आपके साथ बंकर बहुत गलत हुआ है, डरो मत, कुछ तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं रिपोर्ट भी लिखवाया? हमने कहा सर हम रिपोर्ट नहीं इसीलिए नहीं लिखवाया कि सर हमें डर लग रहा था कि हमारे साथ कोई और ना भेद मतलब हो सर, इसलिए हम डर गए, इसलिए हम नहीं लिखवाएं। जय विजय गौतम, प्यारा के लोग थे सर, उस दिन मेरे काका का मतलब एक्सपायर हो गए थे, हम लोग उतनी मिट्टी में बजे हुए थे, मेरा बच्चा स्कूल जाने वाला था, मैं बोला पापा पैसे थे तो मेरे पास 500-600 रुपया था, बोला पापा इतने में एक काम होगा, कम से कम 1000-2000 चाहिए, तो हम कहने अगर आपके खाते में तो निकाल लो, नहीं तो अपने मम्मी का पासबुक ले लो, जाके अपना चेक करवा के निकाल लो। अब आगे गया सर वहाँ पे, क्या उन लोग के उसके साथ में क्या दुर्घटना की, उनके मुँह में पेशाब भी किया गया, नाली में दौड़ा के मारे, पेड़ में बांधे, बांध के मारे, घर में ले जाके बंद करके मारे, मारने वाले सब साफ बनिया थे बयारा के। मेरे पास खेती बाड़ी कुछ नहीं, मैं मेहनत मजदूरी करके यही खा रहा हूँ, 2-3 बच्चों को यही जिला रहा हूँ सर, बाकी मेरे पास कोई धंधा नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई खेती नहीं, कोई बाड़ी नहीं। क्या करता आपका लड़का, कहाँ रहता है? मेरा लड़का बमनान में पढ़ता है। ये 13 अक्टूबर की रात को सोशल मीडिया के माध्यम से हमें एक वीडियो क्लिप प्राप्त हुई, जिसमें दिखाया गया है कि एक लड़के को पेड़ से बांधकर लोग उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं। इस सूचना पर मेरे द्वारा और जिला अधिकारी सिद्धार्थनगर द्वारा तुरंत जो उसमें क्लिप में बताई गई जगह थी, गांव बयारा थाना भवानीगंज में पहुंचा गया और जाके वहां पे हमने उसकी घटना की पुष्टि की। उसके बाद जो पीड़ित जिसके साथ उस क्लिप में मारपीट दिखाई गई थी, हम दोनों उनके घर पहुंचे, वहां उनसे उनके परिवारजन से बात करके पूरी घटना की जानकारी ली गई और फिर उनके द्वारा दी गई कंप्लेंट पर थाना भवानीगंज पे IPC और SC/ST एक्ट के जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है उसके अंतर्गत सभी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़ित का मेडिकल टेस्ट करवाया गया है, इसकी विवेचना अभी CO डुमरियागंज कर रहे हैं। अभी तक जो उन्होंने FIR में 7 लोगों को नामजद किया था, सभी 7 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है और गाँव में और आसपास के क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, हमारी फोर्स की प्रेजेंस वहाँ लगातार है, कोई भी अगर इस तरह कानून को अपने हाथ में लेगा तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।